संबल जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर उलमा के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक की। इसमें सहमति बनी है कि जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, जलसों का आयोजन किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद संबल के चंदौसी रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाधिकारी संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने उलमा से संवाद किया। जश्न ए ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस न निकालने का आग्रह किया गया, साथ ही जलसों के आयोजन की भी अनुमति दी। इसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन किए जाने के लिए भी कहा गया है। संबल जनपद के सभी मौलानाओं व धार्मिक गुरुओं के साथ में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग परंपरागत रूप से जहां पर जलसा या त्यौहार मनाया जाता है उसको मना सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के पब्लिक में जुलूस की परमिशन नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, ऐसी सहमति मुस्लिम संप्रदाय के सभी धर्मगुरुओं द्वारा बनाई गई है। लेकिन जो लोग जहां पर जलसा अथवा कोई इस तरह का कार्यक्रम करते थे जो किसी एक स्थान पर होता है उसकी अनुमति दी गई है, उसको परंपरागत रूप से जहां जहां पर पहले होता था वहां पर मनाया जा सकता है। आज सर उलेमाओं के साथ बैठक की गई थी, जो ईद मिलादुन नबी का पर्व है उसको लेकर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या उसमें निर्णय निकला? आज बैठक की गई थी जो ईद मिलादुन नबी का फेस्टिवल है उसको लेकर, उसमें यह हम लोग की एक आम सहमति बनी कि फेस्टिवल को अच्छे से मनाया जाएगा, जो कोरोना के संबंध में गाइडलाइंस नए जारी हुए हैं उसका पूरा पालन करते हुए जलसे को रोका नहीं गया है, जलसे कराएंगे ये लोग। जुलूस की शक्ल में लोग सड़कों पर केवल नहीं घूमेंगे, यही फाइनल किया गया है, इसी तरह से ये लोग मनाएंगे, यही सब होगा।